हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत हो गया आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में सब ठीक होगा। भाई मेरे यहाँ मेरे गांव में सब कुछ ठीक नहीं है, और ठीक इसलिए नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे गांव को किसकी नज़र लगी है। मेरे गांव में नए नए लड़के, नए नई उम्र के लड़के एक्सपायर होते जा रहे हैं। अभी महीना भर भी नहीं हुआ होगा, एक मैंने बताया था कि मेरे चाचा के लड़के थे वो तालाब में डूब के एक्सपायर हो गए थे। फिर एक रोड एक्सीडेंट हुआ था हमारे अंकल जी का अंदर गाँव में। अभी कल रात की घटना है, मतलब रात को तो उनका दाह संस्कार हुआ था, लेकिन कल दोपहर की घटना है। कल दोपहर की घटना है, मेरे ही पड़ोस में एक लड़का है और उसकी शादी मेरी जो वाइफ है कमलेश उसके मामा की लड़की के साथ हुई थी। तो कल वो दोपहर को जा रहा था, वो ट्रक चलाता था, बड़े ट्रक होते हैं ना, 20 टेरा 16 टेरा, वो ट्रक चलाता था। तो अपने ट्रक पे ही जा रहा था गांव से रास्ते में पैदल, तो दो पड़ोसी गांव के ही दो लड़के उसको रास्ते में मिल गए, उसे अपनी बाइक पे बिठा लिया। कहते हैं ना कि होनी जब होके रहती है तो कुछ ना कुछ होता है, तो उसका तो काल था भाई। वो बैठ गया उनके पीछे, जैसे ही आधा रास्ता पार किया सड़क पे, सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली आए और सीधी टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी। जो दो लड़के आगे बैठे थे वो तो साइड में जा पड़े, और जो लड़का पीछे था, जो मेरी घरवाली के मामा की लड़की का घर वाला है, वो भी उस पर ट्रैक्टर चढ़ गया भाई। पहला अगला टायर चढ़ गया ट्रैक्टर का, पिछली ट्रॉली का पिछला टायर चढ़ गया, वो वहीं मौके पे ख़त्म हो गया। कल पूरे गांव में ये समझ लो कि भाई कुछ हो नहीं सका है, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है हमारे गांव में। तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मेरी घरवाली भी वहीं रही है रात भर, अभी आई है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बड़ी परेशानी में। कमलेश का तो रात को बहुत बुरा हाल था, रो रो कर बड़ी परेशान हो रही थी। अब जैसे तैसे मैंने संभाला है इसको, अब इसकी मम्मी भी आई थी, इसका भैया भी आया था, वो तो चले गए। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि एक बार फिर से वहाँ चली जा, क्योंकि पड़ोस का ही मामला है, और वैसे भी इसके मामा की लड़की का हस्बैंड ही था। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं गांव में किसकी नज़र लगे, नए नए उम्र के छोरे, नए नए उम्र के लड़के एक्सपायर होते जा रहे हैं। वो गांव में ही एक मंदिर है, तो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि गाँव में कोई एक बड़ी ग्रह आ रही है, उसके लिए मैं एक भागवत कथा बिठाने जा रहा हूँ। गाँव वालों ने यकीन नहीं किया। अब कल रात ये घटना हो गई है, तो आज सुबह सुबह मंदिर में गए हैं पुजारी जी के पास भगवत कथा बैठाने के लिए, शायद कुछ हो जाए। कुछ तो है हमारे गांव में जो ऐसा हो रहा है, आज 4 दिन नहीं होते, 5 दिन नहीं होते हैं, कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है। मुझे भूख लग रही है, अब बर्तन वर्तन इसने मांज नहीं रखे, रात को आई थी परेशान हो गई थी, अब सुबह सुबह बर्तन मांज रही है, अब खाना बनाएगी बच्चों के लिए भी, आज तो खाना लेट हो गया है। कितनी देर बनाई खाना? बना दिया। उधर पीछे मेरे पापा आए हैं, उनकी भी तबीयत डाउन हो रही है, उन्होंने भी खाना वाना कुछ नहीं खाया है। कर ले जल्दी निपटा ले। फिर एक परेशानी और पैदा हो गई, ये सिलेंडर भी खत्म हो गया, अभी अभी जैसे तैसे सब्जी बननी है बस, खाली भिंडी की सब्जी बनाई है। सिलेंडर खत्म हुआ तो फिर चूल्हे पे बनाई थी सब्जी, अभी भी आग जल ही रही है चूल्हे में। आज बहुत ज्यादा मूड अपसेट है, पता नहीं क्यों हमारे गांव में ऐसा सब कुछ होने जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ यार, भगवान की यही लीला है। अब मैं उधर से आ गया हूँ अपने पड़ोसन के घर, ताकि थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। तो यहाँ आकर पता चला कि उनका एक ट्रैक्टर है आइसर सुपर डीआई 371 2001 मॉडल है भाई, ये इसको सेल करना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर आप में से किसी को ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो भाई जरूर संपर्क करें, देख लीजिए ये ट्रैक्टर है आइसर सुपर डीआई 371, कौन सा मॉडल है? 2001 मॉडल है। और अगर किसी को भी ट्रैक्टर चाहिए खेती बाड़ी के लिए, किसी भी काम के लिए, तो ये ट्रैक्टर बिकाऊ मेरे गांव में, कोई भी कमेंट्स में मुझसे संपर्क कर सकता है, आ सकता है लेने के लिए, और सस्ते रेटों में ही मिल जाएगा। ये ट्रैक्टर है, अगर किसी को भी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है भाई। अब मैं वापस घर आया हूँ वहाँ से निकल के, तो अभी यहाँ पे कमलेश नहीं दिख रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि वो ना बच्चों का खाना देने चले गई स्कूल में, कल मैं देख के आया था, आज वो चली गई है। अब मुझे भी लग रही है भूख, तो मैं खा लेता हूँ खाना। और भाई आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि दिल बहुत ही उदास है, मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए दिखा नहीं सका। गाइज मैं अपना ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करता हूँ, आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मन बहुत ही उदास है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नए नए लड़के एक्सपायर होते जा रहे हैं हमारे गाँव में, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। और मैं बस अब यहीं पर अपने ब्लॉग को विराम देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।